नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, जनरल मंथली रीडिंग, जिसमें हम 1 से लेके 30 अप्रैल तक की आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे मंथ में, और साथ में एंजल की गाइडेंस लेंगे कि पूरी महीने आपको किस तरीके से चलना चाहिए, किस बात पर ध्यान देना चाहिए, मतलब क्या मिलने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप इस रीडिंग को अगर आपके साथ मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, 1 से लेकर 30 तारीख तक की, 1 अप्रैल से मतलब आज से लेकर 30 अप्रैल तक आपकी पूरी महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी पूरी महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, देखो पाइसिस की रीडिंग और कप्स की एनर्जी आ रहा है। द एम्परर, पूरे महीने जो है आप जो हो, मुझे लगता है किसी रिश्ते से बाहर निकल गए हो। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, ये जनरल एनर्जी चेकिंग है, हर क्षेत्र का एनर्जी हम चेक करेंगे। लव हो, लव का, लव के बारे में बात आता है तो जरूर कहूंगी, लेकिन ये स्पेशली लव रीडिंग नहीं है। जैसे कि हम छोड़ते हैं हर रोज लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लव रिलेशनशिप, इस तरीके का रीडिंग ये तो है नहीं, लेकिन अगर लव के बारे में कोई भी बात आता है मैं जरूर कहूंगी। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनल डिटैचमेंट के बारे में, मुझे लग रहा है कि आप कहीं से इमोशनली डिटैच होके कहीं से मूव ऑन करने वाले हो, चाहे वो रिश्ता, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, परिवार हो सकता है, जहां से आपका इमोशन बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट ना पाने की वजह से मुझे लगता है आप कोई डिसीजन ले सकते हो अकेले रहने की, और खुद को काबिल बनाना, स्टेबल बनाना, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना, अपनी एनर्जी को इन्हांस करना, इन चीज़ों में आप अपना वक्त लगाओगे। जैसे आपको इमोशन नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, वहाँ पे अटैचमेंट नहीं मिला, तो आप कहीं से मूव ऑन कर सकते हो कुछ देर के लिए। जब आपको लगेगा कि सब कुछ सही है तब आप फिर से उसमें आ सकते हो, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, लेकिन पूरे महीने में आपकी डिटैचमेंट की एनर्जी रहेगी, और अपने आप को ग्रो करना, अपने बारे में सही सोचना, खुश रहना, इन सारी चीज़ों में आपकी एनर्जी रहेगी। अपनी आप अपने काम को ज़्यादा महत्व दोगे, अपनी पोजीशन को, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे पूरे महीने। आपको ये लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वही सही है, मुझे किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सही सोच सकता हूँ। जैसे एक सीरियल में आता है ना कि मेरे पास दिमाग है मैं उससे काम चला लेती हूँ, कुछ एक सीरियल में आता है कि
तुमने गजरा लगाया, दूसरे जो पर्सन है वो बोलती है कि नहीं मेरे पास दिमाग है मैं उससे काम चला लेती हूँ। तो आप उस तरीके से सोचोगे, दिमाग से सोचोगे, आपको लगेगा भाई मेरे पास दिमाग है, पैसे है, सब कुछ है, तो मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं और दूसरों की नखरे क्यों सहूं, मुझे अपने तरीके से अपने लाइफ को जीना है। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मैं तो चला या चली। या तो जॉब भी ऐसे हो सकते हैं कि जहां आप जॉब कर रहे हो वहां आपको उस तरीके का अच्छा बिहेवियर नहीं मिल रहा है, तो वहां से भी आप मूव ऑन कर सकते हो। अभी हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। पाइसिस, हम देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट मतलब जो मंथ आपने गुजर लिया है, जैसे कि मार्च का मंथ। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पास्ट में हो सकता है आप थोड़ा दुखी परेशान थे, कुछ रोने धोने में आपका वक्त गुजरा होगा, आपने अपनी नींदें खराब की होगी, बेकार की चीजों से परेशान थे, सोचने में वक्त जाया किया। हो सकता है प्यार मोहब्बत की बातें भी हो सकता है कि कहीं से आपको परेशानी मिली, या फिर अपने कुछ काम से। देख लेते हैं टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। आपका दुखी होने का वजह यह है कि पास्ट में आपने बहुत मेहनत किया, बहुत जिम्मेदारी उठाई, लोगों के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में सोचा, रिश्ते को बैलेंस करना चाहा, अपने आपने पूरी तरीके से पेशेंस रखा, अपने कमाई किए हुए पैसे जो है वो परिवार में खर्च करने के बारे में सोचा, किया भी, सारे लोगों की बोझ आपने उठाई, दायित्व लिए हैं, सबके बारे में अच्छा सोचा, सब कुछ किया, फिर भी आपको उस तरीके का प्यार अपनापन कुछ नहीं मिला। ये हो सकता आपके परिवार के साथ आपका अटैचमेंट कम था, या फिर कहीं आप काम कर रहे थे, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है ये परिवार ही है जो आपको आपको लगा कि इतना करने के बाद भी मेरे परिवार, मेरे प्यार, मुझे उस तरीके का प्यार वापस में नहीं दिया, मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे सर पे सारा जिम्मेदारी उठा, मतलब लाद दिया, फिर भी मैंने कोशिश की हर चीज को बैलेंस करने की, पेशेंस रखने की, लेकिन इन लोगों ने मुझे समझा ही नहीं। इस तरीके का स्थिति पूरे मैंने आपकी थी जिसकी वजह से आप दुखी थे, लेकिन उतना भी खराब स्थिति नहीं था। आपका सोच ऐसा था क्योंकि हर किसी का एक्सपेक्टेशन एक जैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ, दुख, तकलीफ, परेशानी आता है। हर कोई हमेशा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से दुख उठाना पड़ता है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, प्रेजेंट में आप कुछ नया करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, कोई रुके हुए काम को शुरू करना, कोई रिश्ते के बारे में सोचना, कोई नया जॉब, नया बिजनेस, कुछ रिश्ते में नयापन, कुछ जो भी चीज रुका हुआ था, परेशानी थी, उसको दोबारा से शुरू करने के बारे में आप सोचोगे। आप रिश्ते में या फिर अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश आप फिर से करोगे, पास्ट में भी किया था आपने। कुछ ऐसी वक्त हालात हो सकते हैं जिससे आपको ये करने में मजबूर कर देगा। आप अपनी फिनेंस के बारे में सोचोगे। अगर आप जॉब और बिजनेस दोनों एक साथ करते हो तो आप उन दोनों कामों को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे, पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचोगे, अपनी स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के बारे में सोचोगे। नया कुछ डिसीजन आप ले सकते हो। अगर रिश्ते में आप सही तरीके से वक्त नहीं दे पा रहे थे, काम और रिश्ते के बीच में परेशानी थी, तो उसमें भी आप उसको बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। अगर परिवार को आपने बहुत अच्छा वक्त दिया, बहुत कुछ किया, वहां से आपको उस तरीके का परिणाम नहीं मिला,
तो आप दोबारा से अपने परिवार को और पर्सनल लाइफ को, अगर आपके लाइफ में कोई और है तो उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, दोबारा से शुरू करने की कोशिश करोगे कि जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया, जो भी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी तरीके से आप वो करोगे, मतलब कुछ नया ऐसा करोगे, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप में दोबारा से जीने की उम्मीद आएगी, दोबारा से कुछ करने की उम्मीद आएगी और आप शुरू भी करोगे, आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, साथ ही साथ अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी आप सोचोगे। चाहे रिश्ते में बैलेंस करना, चाहे जॉब और बिजनेस में बैलेंस करना, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना, आप में थोड़ी गुरूर आ सकता है, अहंकार आ सकता है, प्राउडनेस आ सकता है, आप जो है ईगो में भी आ सकते हो। देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी, द वर्ल्ड के कार्ड। फ्यूचर में आपके लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने जा रहा है, जो हो रहा था, जो चल रहा था, जो वो चेंज हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, उस तरीके का नहीं रहेगा। वो आपकी सोच हो सकते हैं, आप घूमने फिरने जा सकते हो, कपड़े वगैरह खरीद सकते हो, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली, स्पिरिट के साथ आप खुद को जोड़ने के बारे में सोचोगे, खुद को एक स्पिरिचुअल लेवल पे आगे ले जाओगे, सोच में परिवर्तन आएगा आपका। आप दूसरों की तरीके से नहीं सोचोगे जैसे कि आम लोग सोचते हैं, आपकी सोच में थोड़ी परिवर्तन आएगी। आप हर चीज में स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, अगर आप किसी रिश्ते में हो तो वहां आप शादी के बारे में सोचोगे। आप में एक स्पिरिचुअल कॉलिंग आप महसूस करोगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई मतलब क्या बोले, कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, आपको उसकी अनुभूति होगी। आप अपने आप को स्पिरिट के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, हर चीज में स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने की कोशिश आप करोगे, खुद पर फोकस्ड हो गया, आप सेक्रीफाइसेस के मूड में रहोगे, चीजों को दूसरों की नजर से देखने की कोशिश करोगे, एक नयापन आपके लाइफ में आएगा, फिनेंशियली एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, हर रिश्ते में आपको दोस्ती करने का मौका मिलेगा, दोस्ती का मूड रहेगा आपको। अगर आप किसी के साथ वैसे भी रिश्ते में हो, पारिवारिक रिश्ता हो, उसमें भी आप एक नयापन लाने की कोशिश करोगे, फिनेंस को भी इन्हेंस करोगे, अपने आप को ग्रो करोगे, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है स्पिरिचुअली आप खुद को ग्रो करोगे। बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड, दिस इज मेजर अर्कना के कार्ड है और मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड है ये। एक मेजर चेंजेस जो है ये आपके लाइफ में आने जा रहा है, जिसके लिए शायद आप तैयार नहीं थे, लेकिन यूनिवर्स आपको तैयार कर लेगा। और आप में जैसा कि मुझे पहले से दिखाई दे रहा है कि स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, आपकी सोचने की तरीका, आपके बोलने की, समझने की, हर तरीके में परिवर्तन आ जाएगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपको पूरे महीने किस बात का आंसर्स दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या मिलने जा रहा है, क्या करना चाहिए, आपके लिए सही क्या है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए लिसन टू योर इंट्यूशन। अच्छी बात है, जो भी आप करने जा रहे हो, जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, उसमें आपको अपनी, जैसा कि मैंने कहा ना कि आपकी इनर कॉलिंग होगी, आपको यूनिवर्स की कॉलिंग महसूस होगी कि यूनिवर्स आपसे ये कहने जा रहा है, ये बोलने जा रहा है, तो आपको अपनी इनर कॉलिंग को, इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहने जा रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या सुन पा रहे हो, क्या आपको अंदर से महसूस हो रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ये जो महीना है ये आपको बदल के रख देगा पूरी तरीके से। स्पिरिचुअल नज़र से आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअली आप खुद को ग्रो करोगे, अगर मैं कहूँ स्पिरिचुअल अबंडेंट आपको मिलेगा। इसीलिए आपको जो भी करना है अपनी इनर कॉलिंग
कॉलिंग को मद्देनजर रखते हुए करना है आपको। उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रहा है करने के लिए, आपको वही करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।